परिजा ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा इन पाकिस्तानी हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन ड्रामा अगर मैं कहूँगा तो एक खुदा मोहब्बत, दूसरा परिजाद, ये मेरा फेवरेट ड्रामा है पाकिस्तानी हिस्ट्री में। पाकिस्तान की जितने भी इंडस्ट्री में ड्रामास आए हैं, ये दोनों जो है मुझे बहुत पसंद है। मैं आज बात करूँगा परिजाद के ड्रामे पर। परिजाद एक लड़का होती है गाँव का, जो काफ़ी एक अजीब किस्म की होती है, उसके रंग जो है वो ब्लैक होती है, लोग उनसे नफरत करते हैं, ताकि घर में भी उसका जो नाम परिजाद रखते हैं वो मतलब कुछ अजीब किस्म के नाम होते हैं, लोग कहते हैं कि यार परिजाद। फिर मतलब मैं आपको शॉर्टकट्स उसके बता देता हूँ। एक मतलब लड़की की माँ होती है उस, अगर आप वो ड्रामा देखें तो आपको सारी तफसीलात जो है उसमें भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट्स बता देता हूँ। उसमें वो उसको एक डायलॉग बोलती है कि ख़ुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी मतलब वजूद के है बेना, लोगों को स्टाइल लगने लग जाए। तो वो उनसे सबक सीखते हैं इस डायलॉग से, और वो अपनी ज़िंदगी में ये इम्प्रूवमेंट लाती है कि वो जो है मतलब पैसे कमाने जो के लिए निकलती है अपने गांव से, उस पर बहुत सख्ती आ जाती है। एक वक्त आती है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, आपने कई मतलब मरतबा देखा होगा उसकी जो शॉर्ट्स हैं वो बनती जा रही है। तो उनकी जो पॉपुलरिटी है वो लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, और उसके पॉपुलरिटी की वजह से जो है मतलब वो उसकी पोइट्री बहुत पसंद करती है लोग, उसके जो शायरी हैं मतलब वो बहुत पसंद करती हैं, तो इस वजह से जो है वो बहुत मशहूर होती है। फिर सारी लोग उनके पीछे आ जाती हैं, तो उसकी जो मतलब वो लड़की से दोबारा वो मिलती है, और उनको कहते हैं कि ज़िंदगी का जो सबसे सख्त सबक था वो आपने मुझे सिखाया था कि ख़ुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारा स्टाइल है मतलब तुम्हारे वजूद के बिना लोगों को स्टाइल लगने लग जाए। तो इनसे वो सबक सीखते हैं।